मुसीबत ग्रस्त व्यक्ति को सलाह देने की अपेक्षा थोड़ी सी सहायता उपलब्ध करवाना ज्यादा अच्छा है। स्वयं 36 पकवान खाकर वह तृप्ति नहीं मिल सकती जो जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को एक सूखी रोटी देकर उसकी भूख मिटाने से उपलब्ध होती है। धन की 3 गतियां बताई गई है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य ना तो किसी के मोहताज को मदद देता है और ना स्वयं उपयोग करता है, उसके धन की 3री दशा होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। आपको बता दें कि उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर इंद्री कैथल रोड द्वारा डेरा सिलकरी हलवाना एवं अन्य स्थानों पर जुगी बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के भोजन पैकेट के साथ सेवादारों को रवाना करते हुए यह संदेश दिया। आपको बता दें कि इस दौरान 3500 लोगों के लिए भोजन के पैकेट सेवादारों को वितरित करने के लिए दिए गए। मुनि महाराज ने कहा कि मदद सुपात्र को तथा जरूरत के समय पर दी जाए। जिस प्रकार राख में घी की आहुति डालना व्यर्थ है, उसी प्रकार कुपात्र को दिया हुआ दान तथा सहयोग फिजूल है। सुपात्र वह है जो आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विषमताओं एवं सुविधाओं के कारण असमर्थ है। उसे सहयोग देकर ऊंचा उठाना और कष्टों से मुक्त करना परोपकार है। निर्धन, निर्बल, अनाथ, असहाय और रोगी सुपात्र है। करुणा दान में अनुकंपा और सभी प्राणियों में समान आत्म तत्व का दर्शन कर उदारता पूर्वक सहयोग किया जाता है। समय का ध्यान इसलिए रखा जाता है ताकि दिया हुआ सहयोग दूसरे को उसकी जरूरत के वक्त मिल जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक राकेश काम्बोज एवं जिला परिषद के वाइस चेयरमैन नरेंद्र गोरसी अपने परिवार सहित उपस्थित हुए और लंगर सेवा की गाड़ियों को गंतव्य के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि कोविड-19 टीम अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में सेवा हेतु सक्रिय रही और गांव हलवाना में मुखी जनक सिंह, मक्खन सिंह, सुरजीत सिंह, शेर सिंह, कुलदीप सिंह ने वितरण सेवा में सहयोग दिया। देखिए रिपोर्ट। इस मंदिर के माध्यम से हलवाना गांव में सेवा चल रही है और पता लगा है कि जमुना के आसपास लगती झुग्गी झोपड़ियों में भी प्रतिदिन हर रोज पिछले एक महीने से भोजन पहुंचाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। जो आत्म मनोहर जैन आपका चैरिटेबल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के द्वारा इंद्री हल्के में जो आप लोग हलवाना गांव सबसे पिछड़ा गांव है इंद्री हल्के का, और वहां पर तो जो लोग हैं मैक्सिमम बाहर रहते हैं और वो सारे इन दिनों वापस भी गेहूँ काटने के लिए आ जाते हैं, और सबसे पिछड़ा गांव है वो हलवाना, सीकलीगढ़ जाति के लोग हैं वहाँ पे। और मैं तो बड़ा आपका धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप लोग इतना बड़ा ये वहाँ पर दो दो टाइम का भोजन, तो मेरे लायक भी आप जैसी सेवा लगाएंगे, मैं भी हाजिर हूँ और मैं समझ आऊँगा। मैं कल नहीं आ सका, कल आपने आदेश किया था आने के लिए और आज मैं पहुँचा। मुझे आप सभी का ये देख के बड़ा अच्छा लगा। हमारे भाई नरेंद्र गोरसी जी भी हैं, हमारे जिला पार्षद खड़े हैं यहाँ पे, उनको भी देख के बड़ा अच्छा लगा, छोटे भाई हमारे। और मैं आप सभी का शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो विश्व में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसको बहुत जल्दी परमात्मा इससे हमारे सबको इससे पीछा छुड़ाए और सभी लोग दोबारा जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे वैसे जीवन व्यतीत करें। सभी को मालूम ही है कि मानव जीवन अत्यधिक पुण्य का उदय होने से जीव को प्राप्त होता है। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि आपने उत्तम परिवार, उत्तम जाति, उत्तम कुल में जन्म लिया और प्रभु की कृपा से आपको सारे सुख साधन अनायास ही प्राप्त हो गए हैं। तो अब सारी उपलब्धियां हासिल करके जो कुछ आपको इन एक्सेस यानी अपनी जरूरत से ज़्यादा मिला है, उसका परोपकार के माध्यम से सदुपयोग करने में आपको कोई संकोच और हेजिटेशन नहीं करने चाहिए। एक पाश्चात्य विचारक ने कहा है, द लग्जरी ऑफ डूइंग गुड सरपासेज एवरी अदर पर्सनल एंजॉयमेंट। दूसरों का भला करने में जो आनंद आता है, वह व्यक्तिगत सुखोपभोग से, चाहे आप कितना भी विलासितापूर्ण लग्जूरियस लाइफ क्यों ना जिए, उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। खुद 36 पकवान और व्यंजन खाने से उतना मजा और उतना आनंद नहीं आता जितना एक भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी खिलाकर उसकी भूख को शांत करने से आता है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में परोपकार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सभी महापुरुष परोपकार की महिमा का वर्णन करते हैं। कहा गया है,
परोपकारो ही मनुष्यत्वम, यानी परोपकार ही मनुष्यत्व है, और जिस मनुष्य में दूसरों का भला करने की भावना नहीं है उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। तो बंधुओं, मैं आप सभी को प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप अपनी शक्ति और ताकत का सही सही अनुमान लगाते हुए प्रभु ने आपको जितनी शक्ति, जितनी कैपेसिटी और जितनी सामर्थ्य दी है, आप दूसरों का भला करने, दूसरों का उपकार करने का प्रयास और प्रयत्न करें। किसी शायर ने कहा है, झुलसे न चलने वाले तरफ तेज धूप में, झुलसे न चलने वाले तरफ तेज धूप में कुछ पेड़ सायादार लगाते हुए चलो। हर व्यक्ति अगर दूसरों को छाया देने के लिए घने और छायादार वृक्ष लगाने का प्रयत्न करे तो किसी को कभी भी धूप की वजह से परेशान और आकुल व्याकुल नहीं होना पड़ेगा। तो परोपकार मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और ताकत के अनुसार दूसरों का भला करने का प्रयत्न करे। ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.